वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है पेंजिन पे लगा हुआ मेरा पहला प्लांट, जो कि अब बढ़ के तो रोट ओवर रोक की तरह हो गया है। तो देखिए शुरुआत इस तरह से हुई थी, ये देखिए इस तरह वो बड़ा होता गया। और देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट ट्रिमिंग के बाद जो ग्रोथ हुआ था उसको, ज़्यादा जो अनवांटेड ब्रांच है वो मैं दूर कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो ग्रोथ हो वो बैलेंस हो और जो प्लांट की एनर्जी बची रहे और जो डिजायर शेप या हमें शेप चाहिए उसी के हिसाब से ब्रांच ग्रो हो पाए, जो बहुत ज़रूरी है। ये एक्स्ट्रा स्टेम भी निकाल देनी होती है दोस्तों, तो इसी तरह से काम करते रहना होता है। ये लॉकडाउन का वक्त था और तब सन बर्न हो गया था दोस्तों, और ग्रोथ भी बढ़िया हुआ था, पर देखिए सभी पत्ते गिर गए थे इस तरह से, नए जो भी ग्रोथ हुआ था सब कुछ गिर गया था। जब मैं नए ब्रांच को प्रिंच करता हूँ दोस्तों, देखिए तो जब यहाँ लीफ में से जब यहाँ निकलता है न्यू ब्रांच, तब मैं उसको पुराने लीफ को निकाल देता हूँ, और उसी ब्रांच में अगर कोई पहले छोटी ब्रांच थी तो वो अब ग्रो हो चुकी है, तो मैं उसमें पिंचिंग कर लेता हूँ, जिससे उसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए या ब्रांच मल्टीप्लाई हो सके। देखिए यहाँ भी मैंने पिंच किया था और अब यह नई ब्रांच आ गई है, तो मैं उसको हटा लेता हूँ। अब नीचे के इंटरनोड में अभी भी ब्रांच नहीं आई है तो मैं उसको नहीं हटाऊँगा। देखिए यहाँ तो जो ब्रांच में इंटरनोड में से निकल आई है ब्रांच, उसी को मैं निकाल लेता हूँ, और अगर वो ब्रांच ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसको भी मैं पिंच कर सकता हूँ। देखिए हमारा रूट देखते ही देखते मई आ गया, और देखिए इस तरह से ग्रोथ हुआ है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कह सकते हैं दोस्तों, जो भी नया ट्रिम किया था उसी में नया ग्रोथ आ गया है। तो देखिए दोस्तों अक्टूबर आते आते ये इस तरह का हो चुका है, प्लांट में बढ़िया ग्रोथ दिखने को मिला है। कुछ ब्रांचें मैंने वाइगोर होने के लिए छोड़ दिया था, बट कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए, यानी कुछ ब्रांचें जो छोटी रह गई वो छोटी ही रह गई और बड़ी हो गई वो बड़ी ही रह हो गई, तो ये सब बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इस बार ये लेसन मैं ले रहा हूँ इस गलती से कि अब मानसून के बाद ही ग्रोथ को हटा देना है, क्योंकि पूरे मानसून में स्प्रिंग के बाद ग्रोथ होता है। अब जो कि ग्रोथ हो चुका है, थोड़ा लेट हुआ हूँ, तो पहले अक्टूबर से पहले ही सितंबर में ही हमें इस तरह से ग्रोथ हटा देना था, पर अब मैं हटा रहा हूँ। शायद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो मुझे, बट ग्रो जो मैंने कुछ फर्टिलाइज किया था इस प्लांट में तो थोड़ा ग्रोथ दिखा, इसलिए मैं फिर से ये काम कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी तो थोड़ी उमस है, तो हो सकता है प्लांट जल्दी से ग्रो करना शुरू कर दे। ग्रोथ तो धीमा ही रहेगा वैसे, बट मैं ब्रांचें हटा रहा हूँ एज अ एक्सपेरिमेंट, पिछले साल ऐसी गलती ना हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ब्रांचिंग थी और कुछ छोटी रह गई। देखिए ब्रांचिंग तो बढ़िया हुई है, और ये क्लिप एंड ग्रो मेथड कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैंने कोई वायरिंग नहीं की, शुरुआत में वायरिंग की थी, अब कोई वायरिंग नहीं कर रहा हूँ और रेमिफिकेशन हो रहा है। हो सकता है बाद में वायरिंग करें और शेपिंग करें नया ग्रोथ आने के बाद, और स्प्रिंग में जो भी स्प्रिंग तक जो भी ग्रोथ आएगा उसको हम कुछ मूवमेंट भी दे सकते हैं कुछ मैच्योर होने के बाद। तो देखिए दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो संभाल के रखना होता है और बाद में उसको सब मिला के बनाना होता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहें, और चलिए मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।